हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवान्स वर्ल्ड। सो आज की रेसिपी लेकर मैं हाजिर हूँ। सो आज की रेसिपी है पत्ता गोभी फ्राई, बंदा गोभी भी इसे बोलते हैं। सो देख सकते हैं कितनी यमी सब्जी बनी है। सो शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा केजी का पत्ता गोभी ली हूँ, उसे अच्छे से देख सकते हैं महीन महीन कट कर ली हूँ और धो लेंगे। और फिर उसके साथ हम ये सब सब्जियाँ भी धोकर कट कर लेंगे। आलू, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज है बस। अब इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, आप गैस पे भी चढ़ा सकते हैं। सो मैं इंडक्शन पे ये रेसिपी बनाऊंगी और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। सो पैन में मैं ऑयल डाली हूँ, सरसों ऑयल में ही मैं ये सब्जी बनाऊँगी। और इसमें फ़ौरन में हम सरसों डालेंगे। सो पत्ता गोभी में अगर हम सरसों का फ़ौरन डालते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। सो सरसों थोड़ा जल चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद हम दो हरी मिर्ची डालेंगे, सात आठ लहसुन की कलियां खड़ी खड़ी डाल देंगे और दो छोटे छोटे प्याज चॉप्ड करके। सो इतनी सारी सब्जियां डालने के बाद हम थोड़े से फ्राई करेंगे। एक दो मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद आलू जो हमने कट करके धो के रखे थे वो डालेंगे। और एक छोटे से टमाटर को मैंने कट कर लिया था धोकर, सो उसे भी डालेंगे। सो देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां मैंने डाल दी हूँ कढ़ाई में। और सबको थोड़ी देर भूनेंगे दो मिनट। और उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, और फिर डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, जीरा और गरम मसाला मेरा मिक्स है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे सब्जी का कलर अच्छा है। सो अब हम इन मसालों को दो मिनट तक भूनेंगे सारी सब्जियों के साथ, आलू, प्याज, टमाटर, इन सबों के साथ हम मसालों को भी थोड़ी देर भून लेंगे। और इस पत्ता गोभी सब्जी में हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। और आप पत्ता गोभी में वो मसाला डालकर बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब इन मसालों को हम भून लेंगे। उसके बाद हम जो मैंने पत्ता गोभी धोकर कट कर रखी थी उसे डालूँगी और बस सबको अच्छे से मिला लेंगे। पत्ता गोभी में सारे सब्जियों को, मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, देख सकते हैं, धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा नीचे का मसाला और आलू प्याज वगैरह चिपके ना, सब मिक्स कर लेंगे। और इस सब्जी में हम बिल्कुल भी एक बूंद भी मैं ऊपर से पानी नहीं डालूंगी और बस ढककर छोड़ दूंगी लीड लगाकर, और फ्लेम लो ही रखेंगे। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखेंगे, बंदा गोभी डालने के बाद फ्लेम लो कर देंगे और बस ढककर पाँच मिनट तक छोड़ दी थी मैं। और देख सकते हैं बंदा गोभी खुद ही पानी छोड़ा है। सो बंदा गोभी जो भी पानी पत्ता गोभी से पानी निकलेगा उसी से हमारी सब्जी पकेगी, और हम बाहर से एक बूंद भी इस सब्जी में पानी नहीं डालेंगे। सो देख सकते हैं लीड लगाने से देख सकते हैं पत्ता गोभी पक भी रही है, गल भी रही है और कुक भी होने के साथ साथ पानी भी छोड़ रही है। जिससे अब आते हैं वो सीक्रेट मसाला की तरफ। वो सीक्रेट मसाला और कुछ नहीं, पास्ता मसाला है। सो देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया, इसमें इस स्टेज पे जब आधी पत्ता गोभी कुक हो चुकी है, मेरी आधी सब्जी पक चुकी है, थोड़ी देर में सब्जी हो जाएगी, उससे पहले हम पास्ता मसाला थोड़े से डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और फिर से ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। सो देख सकते हैं बीच बीच में मैं ढक्कन हटाकर चला दे रही हूँ ताकि सब्जी नीचे से चिपके ना, और चेक भी कर रही हूँ कि आलू पका है कि नहीं। तो देख सकते हैं दिखाया मैंने आलू भी, अब हमारा कुक हो चुका है। सो अब बस सब्जी होने ही वाली है, देख सकते हैं सब पत्ता गोभी भी गल चुकी है और गल के थोड़ी हो गई है। इसका मतलब है कि पत्ता गोभी अब पकने लगी है और पानी भी सूखने लगा है। सो पत्ता गोभी जो पानी रिलीज करेगी उसी पानी से हमारा पत्ता गोभी सब्जी पकेगा भी और फ्राई भी होगा। सो देख सकते हैं पानी अब सूख धीरे धीरे सूख रही है। हम पानी क्योंकि हम पत्ता गोभी फ्राई बना रहे हैं इसमें पानी नहीं रखेंगे, भूजी हुई सब्जी जैसा लगेगा। सो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप ठंडी के मौसम में बंदा गोभी, अगर मटर भी है तो आप मटर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वो मैं अलग रेसिपी शेयर करूँगी बंदा गोभी मटर की। सो आज मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बनाई है। सुबह सब इस स्टेज पे इंडक्शन बंद कर देंगे और देख सकते हैं मैं प्लेट में आपको सर्व कर दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व करें अच्छा ही लगेगा। सो बस ये छोटी सी रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलती हूँ।